वंस अगेन वेलकम स्टूडेंट। इस सेशन में हम लोग नेक्स्ट जर्नल एंट्री का क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपके बुक्स में दिया हुआ है 4। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ संजय जर्नल स्टोर। अब किसके बुक्स में आपको एंट्री करना है? संजय जर्नल स्टोर। आपको ये समझना है कि यू आर अकाउंटेंट ऑफ संजय जर्नल स्टोर। संजय जर्नल स्टोर के आप अकाउंटेंट्स हो और ये जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहा है स्टूडेंट आपके साथ हो रहा है और इस तरीके से आपको एंट्री करना है। तो डेट है 2019 जून फर्स्ट। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश बैंक एंड गुड्स। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 50,000, बैंक 1 lakh, गुड्स वर्थ रुपीज 50,000। इसका मतलब कि संजय जनरल स्टोर के ओनर ने जो बिजनेस स्टार्ट किया, उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उसने अपने घर से 50,000 रुपीज़ का कैश लाया। ऑलरेडी बैंक का उन्होंने 1 lakh rupees यहाँ पर इन्वेस्ट किया, बैंक का भी उनका 1 lakh rupees है और गुड्स लाया 50,000 का। अब इसमें देखना है स्टूडेंट कि हमारे लिए की पॉइंट्स क्या है। स्टूडेंट यहां पर कैश है, ये बैंक है और ये गुड्स है। अब यहां पर नाम नहीं दिया लिखा, लेकिन लिखा है ना स्टूडेंट स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। स्टार्ट किसने किया? संजय ने, संजय जनरल स्टोर के ओनर ने, मिस्टर संजय ने स्टार्ट किया। हम अकाउंटेंट है तो संजय ने क्या किया, हम अकाउंटेंट हैं, ये तीनों चीजें लाकर हम लोगों को दिया। बोला ये कैश लो, ये बैंक से पैसा इतना और इतने रुपीज का गुड्स लो, चलो बिजनेस स्टार्ट करो, वी आर द अकाउंटेंट। तो आप कैश बोलो स्टूडेंट, आप गुड्स बोलो, ये रियल है, कम्स इन डेबिट। 1 lakh rupees के लिए बोलूंगा कि बैंक, बैंक क्या है, नाम पर्सनल, बैंक इज अ गिवर, बैंक इस बिजनेस को 1 lakh rupees देगा, उन्होंने समझो चेक दिया रहेगा, वो चेक को हम लोग डिपॉजिट्स करेंगे तो बिजनेस के अकाउंट्स में उतना पैसा आएगा, तो बैंक इज अ गिवर। तो कैश आ रहा है स्टूडेंट, कैश आ रहा है, कैश मैंने बताया रियल कम्स इन डेबिट। एक कंबाइंड एंट्री कर रहे हैं स्टूडेंट, मोर देन वन ट्रांजेक्शन इसमें देखने को मिल रहा है आपको। कैश कितने का? 50,000 rupees। 1 lakh rupees उन्होंने किससे दिया? बैंक से दिया, चेक दिया रहेगा, तो हमारा बिजनेस का जो बैंक है उस पैसे को रिसीव करेगा। बैंक क्या है? नाम पर्सनल, रिसीवर डेबिट, या उनके बैंक की बात करूं तो उनका बैंक ने हमको पैसा दिया, बैंक में पैसा डेबिट 1 lakh। और सेम टाइम उन्होंने गुड्स भी हमको दिया। गुड्स किस में आएगा स्टूडेंट? गुड्स रियल में आएगा, कम्स इन डेबिट। गुड्स क्या है? प्रॉपर्टी एंड एसेट्स, कम्स इन डेबिट। कितना स्टूडेंट? 50,000 rupees। ये सब का, ये सारी चीजें लाने वाला, इन सारी चीजों को देने वाला कौन है? गणेश। गणेश क्या है? नाम पर्सनल, गिवर, क्रेडिट। लेकिन मैंने नंबर ऑफ टाइम आपको बताया स्टूडेंट कि अपने बुक्स में अपना नाम या प्रोप्राइटर का नाम नहीं आता है। प्रोप्राइटर जो भी बिजनेस में लेकर आएगा स्टूडेंट, मैंने बार बार रिपीट किया, दैट इज कैपिटल। और प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए जो कुछ बिजनेस से लेकर जाएगा, दैट इज ड्रॉइंग। तो यहां पर ओनर ने, प्रोप्राइटर ने बिजनेस में गुड्स, बैंक बैलेंस और कैश लाया है। तो प्रोप्राइटर मतलब कोई ना कोई पर्सन, पर्सनल अकाउंट। प्रोप्राइटर इज अ गिवर, गिवर कहां पर? क्रेडिट। लेकिन मैंने बताया ना कि स्टूडेंट यहां पर प्रोप्राइटर जो कुछ लेकर आएगा उसका नाम नहीं आता है, उसके नाम के बदले हम लोग क्या लिखेंगे?
कैपिटल अकाउंट, ये क्या हो गया कैपिटल, ये सबको प्लस कर लोगे, ये हो गया 2 लाख रुपीस। नरेशन में लिख दोगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश बैंक बैलेंस एंड गुड्स, इससे हम लोगों ने बिजनेस क्या किया स्टार्ट किया। परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट, नेक्स्ट फिफ्थ का ट्रांजेक्शन है। परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट रुपीज 80,000, 80,000 एट 10% TD। अब ये TD क्या होता है, कैश डिस्काउंट क्या होता है, इन सारी चीज़ों को मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर्स में रिपीट किया स्टूडेंट, इसमें सारा हम लोगों ने बेसिक पढ़ा है। अब यहाँ पे TD का मतलब होता है स्टूडेंट ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट्स मैंने बताया कि स्टूडेंट कब, व्हेन द ट्रांजेक्शन ऑन क्वांटिटी, जब ज़्यादा क्वांटिटी में कोई ट्रांजेक्शन्स होता है तो सामने वाला आदमी खुश होकर आपको डिस्काउंट देता है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। मैंने उस समय डिस्कस किया था, या फिर से जाके आप वीडियो देख सकते हो, कि मैंने बताया था कि ट्रेड डिस्काउंट ऑलवेज माइनस फ्रॉम द ओरिजिनल अमाउंट, जो आपका अमाउंट है उसमें से उसको माइनस करके जो नेट अमाउंट मिलेगा, दैट नेट अमाउंट वी रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट को हमेशा हम लोग ओरिजिनल अमाउंट से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, क्वांटिटी पे हम लोग को मिलने वाला क्या है डिस्काउंट से। परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, यहाँ पर एट द सेम टाइम इसने क्रेडिट लिखा है, ध्यान रखना स्टूडेंट, ट्रेड डिस्काउंट क्रेडिट पर भी मिल सकता है, कैश डिस्काउंट क्रेडिट पर नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो की पॉइंट्स, देखो स्टूडेंट, एक तो हम लोगों ने परचेज किया, ये एक की पॉइंट्स हो गया, और दूसरा यहाँ पर ट्रांजेक्शन क्रेडिट, तो सेकेंड की पॉइंट्स क्या हो जाएगा मोहन। ट्रांजेक्शन्स कितने का हुआ, इनवॉइस प्राइस अगर मैं बोलूं तो ये है 80,000 का, 10% TD मैंने बताया ना स्टूडेंट, हम लोग माइनस कर देंगे 10% TD, 10% का मतलब होगा स्टूडेंट 8,000। अब 80 में से 8,000 रुपीस को आप माइनस कर दोगे स्टूडेंट, तो ट्रांजेक्शन्स कितने का हुआ 70। ये 70 हम लोग स्टूडेंट रिकॉर्ड करेंगे, इस अमाउंट को परमानेंटली आप क्या करोगे भूल जाओगे। तो वंस अगेंस अगर मैं इंट्री की बात करूं, तो हम लोग यहां पर स्टूडेंट परचेज कर रहे हैं, हम लोग परचेज कर रहे हैं, बिजनेस में सिर्फ परचेज लिखा है, मतलब परचेज ऑफ मटेरियल मैंने बताया, हम एक्सपेंस कर रहे हैं, हम लोग एक्सपेंस कर रहे हैं नॉमिनल, नॉमिनल में कहां आ जाएगा वो डेबिट। गुड्स किससे परचेज किया स्टूडेंट, मोहन से, मोहन क्या है नाम पर्सनल, मोहन इज अ गिवर, और गिवर कहां पर आएगा स्टूडेंट क्रेडिट। तो आपका इंट्री हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट, हमने परचेज किया तो एंट्री हो गया परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट, कितना 72 बीइंग मटेरियल परचेज, कि हम लोगों ने मटेरियल्स क्या किया परचेज किया। सोल्ड गुड्स टू उर्मिला 9, sold goods to Urmila 30,000 at 5% trade discount। अब इसके पहले purchase था स्टूडेंट, अभी हम लोगों ने यहां पर क्या किया sold किया। अब देखते हैं की पॉइंट्स, तो वन स्टूडेंट अगर वन सेकेंड स्टूडेंट देखोगे तो एक की पॉइंट्स क्या है इसके अंदर सेल्स, ट्रांजेक्शन क्रेडिट पर है स्टूडेंट। दूसरा की पॉइंट्स इसके अंदर क्या है उर्मिला, हमने उर्मिला को गुड्स क्या किया सोल्ड किया। ट्रेड डिस्काउंट के लिए मैंने जस्ट बताया टीडी का मतलब ट्रेड डिस्काउंट, ए डिस्काउंट किस पे होता है क्वांटिटी बेसिस पे, लार्ज क्वांटिटी पे आप परचेज करते हो, लार्ज क्वांटिटी पे सेल्स करते हो, उसके ऊपर जो डिस्काउंट मिलता है दैट इज ट्रेड डिस्काउंट, वो हम लोग हमेशा ओरिजिनल अमाउंट में से माइनस करके अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। तो हमने सेल्स किया स्टूडेंट सेल्स, अब सेल्स को मैं बोल सकता हूँ कि नॉमिनल इनकम कहाँ पर आएगा क्रेडिट। हमने किसको सोल्ड किया उर्मिला को, उर्मिला कौन सा अकाउंट स्टूडेंट पर्सनल, पर्सनल हमने सेल्स किया
उर्मिला को हम सेल्स करेंगे तो डेफिनेटली उर्मिला उस गुड्स को क्या करेगी स्टूडेंट, लेगी। उर्मिला इज रिसीवर, और पर्सनल में रिसीवर कहाँ आता है स्टूडेंट, तो पर्सनल में रिसीवर्स आता है डेबिट साइड में। पर्सनल में रिसीवर कहाँ पर आता है, डेबिट साइड। अब वंस अगेन स्टूडेंट, जैसे मैंने इसके पहले किया था, इनवॉइस प्राइस देखो ये 30,000 है, 5% का डिस्काउंट, अगर 30,000 पे 5% निकालेंगे स्टूडेंट 1,500, मतलब ट्रांजेक्शन्स कितने का हो रहा है, 28,500। इस अमाउंट को आप भूल जाओगे और आप बैलेंस अमाउंट को रिमेम्बर करोगे, 28,500 हम लोगों ने सोल्ड किया। किसने लिया स्टूडेंट, उर्मिला ने लिया। डेट क्या है स्टूडेंट, यहां पर डेट इज 9, डेट इज 9, उर्मिला ने लिया। उर्मिला नाम, पर्सनल रिसीवर डेबिट, तो एंट्री होगा उर्मिला अकाउंट डेबिट टू सेल्स। मैंने बोला ना स्टूडेंट कि हम लोग टीडी के अमाउंट को माइनस करके अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, 28,500 और ये आपका 28,500। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो प्लीज आप स्माइल करो। यस वेरी गुड। जहां कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम्स होगा स्टूडेंट, तो प्लीज आप अपना प्रॉब्लम शेयर करो। अपना प्रॉब्लम्स आप बताओगे तो मुझे समझ में आएगा, तो मैं शायद और इंप्रूवमेंट करने की इसमें से कोशिश करूं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज पेड इन टू देना बैंक ₹40,000, पेड इन टू देना बैंक ₹40,000। हम लोगों ने देना बैंक को ₹40,000 देना बैंक में हम लोगों ने क्या किया, पेड किया, मतलब एक तरह से बोले कि हम लोगों ने देना बैंक में डिपॉजिट्स किया। ये देना बैंक, देना बैंक नाम, पर्सनल रिसीवर डेबिट, एक एक की पॉइंट्स हो गया। और यहां पर पेड लिखा है ना, मतलब इस देना बैंक को हम लोगों ने दिया क्या रहेगा स्टूडेंट, डेफिनेटली कैश दिया रहेगा। कैश मतलब रियल कैश हमारे पास से जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो अगर मैं इस एंट्री की बात करूं, तो हम लोगों ने देना बैंक में पेमेंट किया। देना बैंक मैंने बताया कि हमारे लिए क्या है, नाम। नाम मैंने बताया कि हमारे लिए क्या हो जाएगा, पर्सनल। पर्सनल में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये आपका डेबिट, क्योंकि हम देना बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। देना बैंक क्या है, रिसीवर है। डेट इज 12, एंट्री होगा देना बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एंड दिस अमाउंट इज माय डियर 40,000। नरेशन मैंने बताया ना स्टूडेंट कि आप टोटली अपने मन से लिख सकते हो। यहां पर मैं लिख सकता हूं बीइंग कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, कि बैंक के अंदर हम लोगों ने कैश क्या किया, डिपॉजिट्स किया। नेक्स्ट है गुड्स वर्थ ₹5,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। गुड्स ₹5,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। स्टूडेंट हम लोगों ने ₹5,000 का गुड्स फ्री में क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया। हम लोगों ने ₹5,000 का गुड्स फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया, हम लोगों ने मतलब बिजनेस ने, संजय जनरल स्टोर ने ₹5,000 का गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किया। अब देखते हैं कि कौन सा दो पॉइंट्स है इसके अंदर स्टूडेंट। तो एक तो है कि फ्री सैंपल, ये इसका एक की पॉइंट्स है, और एक इसके अंदर स्टूडेंट हम सेल्स नहीं बोल सकते हैं, हमारे पास से क्या जा रहा है, गुड्स। अब हम लोग नहीं, दुनिया का कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कोई भी गुड्स अगर फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो उसके पीछे रीजन क्या है, क्या वो पागल हो गया है कि गुड्स लोगों को फ्री में देगा। पागल नहीं हुआ है, उसका इंटेंशन प्रमोशन है। जो लोग खरीद कर उस गुड्स को यूज नहीं कर रहे हैं, तो फ्री के कारण यूज करें,
और एक तरह से उसकी आदत लगे, उसके फीचर्स को देखें, उसके एडवांटेज को देखें और फ्यूचर के हमारे कस्टमर बने। तो यहां पर कंपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, अब एडवर्टाइजमेंट कर रहा है मतलब क्या कर रहा है स्टूडेंट? एक्सपेंस। एक्सपेंस कहां पर रहे बच्चा लोग? नॉमिनल का डेबिट। हमारे पास से क्या जाएगा, मतलब बिजनेस के पास से क्या जाएगा? तो बिजनेस के पास से गुड्स जाएगा, गुड्स एक तरह से रियल गोज आउट क्रेडिट। लेकिन हम सिर्फ गुड्स नहीं लिखेंगे, अगर सिर्फ गुड्स लिख के रखा तो फ्यूचर में हम भूल जाएंगे कि अगर हमने फ्री में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था तो फिर उसके सामने हम लोग देखेंगे कि अरे पैसा क्यों नहीं आया, पैसा किससे लेना है? गुड्स तो फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उसका पैसा तो आने वाला है नहीं। तो हम सिर्फ गुड्स नहीं लिखकर लिखेंगे, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। तो हमको खुद को भी याद रहेगा कि इसका पेमेंट नहीं आने वाला है, हमने एडवर्टाइजमेंट किया था। तो एंट्री होगा एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल अकाउंट। हम लोग एक फ्री सैंपल का अकाउंट, इससे हमको यह ध्यान में रहेगा कि हमको इसका पेमेंट आने वाला नहीं है, हम लोगों ने गुड्स को क्या किया है, फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया। अमाउंट इज माई डियर 5,000 रुपीज, दिस अमाउंट इज 5,000। मैं अगेन और अगेन रिपीट कर रहा हूं कि नरेशन में कोई जादू नहीं करना है, जो ट्रांजेक्शन हुआ दैट ट्रांजेक्शन यू राइट इन ओन लैंग्वेज। आप इवन लिख सकते हो बींग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, कि हमने फ्री में गुड्स को क्या किया, लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया, दैट इट। चलो थोड़ा सा स्पेस की जरूरत है तो थोड़ा सा हम लोग पहला रफ कर लेते हैं एंड देन फिर उसके बाद से हम लोग देखते हैं, रफ कर लेते हैं। यस, थोड़ा सा स्पेस चाहिए ना अपने को लिखकर। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, समझाता हूँ थोड़ा सा आपके इजी के लिए, कन्वीनियंट के लिए, कि लॉन्ग टाइम तक आपको क्या रहे चीज़ें ध्यान में रहे। ओके सुरेश बोल रहा है, सर आप हमारे लिए बहुत करते हो, और आपके लिए नहीं कर रहा हूँ, तुमच्यासाठी काय पण यार, तुम्ही फक्त शिका बस। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है पेड फॉर कमीशन 5,000 टू आनंद। ये नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है पेड कमीशन, रुपीज 5,000 टू आनंद। अब यहां पर देखो स्टूडेंट की की पॉइंट्स क्या है, तो यहां पर की पॉइंट्स है पेड लिखा है। मैंने इसके पहले बताया कि हम किसी को कमीशन देंगे, मतलब क्या देंगे, पैसा ही तो देंगे ना, तो एक कमीशन, एक कैश, और दूसरा यहां पर क्या है कमीशन। पेड लिखा है, रिसीव्ड नहीं है, हमने पेड किया। हमने पेड किया तो कैश हमारे पास से क्या होगा स्टूडेंट, जाएगा। कैश कौन सा, रियल, जाएगा गोज आउट एक क्रेडिट। हम लोगों ने कमीशन का पैसा पेड किया, मतलब किसी से कुछ काम कराया होगा और उस काम के बदले हम लोगों ने उसको पैसा दिया। कमीशन पेड करना एक्सपेंस नॉमिनल, और नॉमिनल में कहां पर आ जाएगा स्टूडेंट, डेबिट। तो एंट्री हो जाएगा स्टूडेंट कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश। डेट है इसका 22nd, डेट है इसका 22nd। तो एंट्री था 5,000। नरेशन में कोई इश्यू नहीं है, जस्ट आपको लिखना है बीइंग कमीशन पेड, हम लोगों ने कमीशन क्या किया, पेड किया। वन मोर लास्ट वन, इसके अंदर एक ट्रांजेक्शन है
रिसीव्ड रुपीज 28,000, 24 है। रिसीव्ड रुपीज 24,000 फ्रॉम उर्मिला इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर अकाउंट बाय डेबिट कार्ड। अब यहां पर लिखा है स्टूडेंट की रिसीव्ड रुपीज 24,000 फ्रॉम उर्मिला, हम लोगों को उर्मिला से 24,000 रुपीज मिला। इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर अकाउंट, उसने अपना अकाउंट सेटल कर लिया और पेमेंट किससे? डेबिट कार्ड मतलब बैंक से। क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड कौन इश्यू करता है? बैंक ना। हम लोग बोलते हैं डेबिट कार्ड स्वैप करना है, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना है, तो हम किसी को पैसे निकाल कर नहीं दे रहे होते हैं, हमारे बैंक से उसको पेमेंट जाता है। लेकिन इसने बोला यहां पर कि 24,000 रुपीस हम लोगों को उर्मिला से रिसीव्ड हुआ फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। अब ये तो दिया ही नहीं कि उर्मिला से लेना कितना था। तो आप स्टूडेंट पांच ट्रांजेक्शंस देखोगे और कहीं ना कहीं आपको होगा कि उर्मिला को आपने कुछ सेल किया होगा, उर्मिला से कुछ पेमेंट लेना रहेगा, तो वहां पर कुछ ना कुछ ऐसा अमाउंट होगा जहां से आपको क्लिक होगा कि उर्मिला से आपको कितना लेना है। स्टूडेंट यहां पे थोड़ा सा करेक्शन है, उर्मिला से 24 नहीं स्टूडेंट 28,000 रुपीस हमको मिला, 28,000। अब स्टूडेंट अपना अगर आप ट्रांजेक्शन देखोगे तो एक नाइन्थ का ट्रांजेक्शन था, डेट था नाइन्थ, उसके अंदर 9th जून, और 9th जून को अगर देखोगे स्टूडेंट 9th जून को, तो हम लोगों ने 9th जून को उर्मिला को देखो स्टूडेंट सेल्स किया था, और 9th जून को देखोगे स्टूडेंट हम लोगों ने उर्मिला को कितना सेल्स किया था, 28,500। अब मैंने जब 28,500 सेल्स किया था तो मुझे आज मिलना भी 28,500 चाहिए, लेकिन हम लोगों को 28,500 नहीं मिलकर हमको कितना मिला, 28,000 एक कैश मिला ना स्टूडेंट, कैश रियल रिसीव्ड है, मिला कम्स इन और ए डेबिट। फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स किसका सेटल्ड हो गया, उर्मिला का, नाम पर्सनल, गिवर और ये क्या हो गया, क्रेडिट। जैसे मैंने आपको बताया था कि 9th को जब हम उर्मिला को सेल्स किए तो उर्मिला की जरूरत पूरा हो गया था, उर्मिला को उसका गुड्स मिल गया, लेकिन हमारा जरूरत पूरा नहीं हुआ था, उसने हमको हमारा पैसा दिया नहीं था, उस दिन ट्रांजेक्शन्स क्रेडिट पे हुआ, वो इनकम्प्लीट ट्रांजेक्शन्स था, वही आज ट्रांजेक्शन्स क्या होने वाला है, कंप्लीट। तो हम लोगों को उर्मिला से क्या मिला, पेमेंट मिला। अब इसका डेट है 24th। अब जब हम लोगों को उर्मिला से पेमेंट मिला तो हम लोगों को मिलना चाहिए था 28, हमको मिला 28,500, हमको मिला 28। चलो पहला तो लिख देता हूं कि हमको पेमेंट मिला कैश। अच्छा, कैश नहीं आएगा स्टूडेंट, यहां पर हम लोगों को डेबिट से पेमेंट, डेबिट कार्ड से पेमेंट मिला। पेमेंट किससे मिला स्टूडेंट आपको, डेबिट कार्ड से मिला, मतलब पेमेंट आपने नहीं लिया, पेमेंट किसने लिया, आपके बैंक ने लिया, उसने डेबिट कार्ड से हमको क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया, पेमेंट हमको नहीं मिला, पेमेंट किसको मिला स्टूडेंट, बैंक को मिला, मतलब उसने डेबिट कार्ड से पेमेंट किया। तो डायरेक्टली पेमेंट कहां चला गया, बैंक को। बैंक क्या है, नाम पर्सनल, बैंक ने पैसा रिसीव्ड किया, रिसीवर डेबिट कितना 28, मिलना चाहिए था 28,500, मिला 28,500 रुपीस हम लोगों को नहीं मिला, हम लोगों ने 500 रुपीस हम लोगों को नहीं मिला, और इसने लिखा है कि अकाउंट सेटल्ड, मतलब वो 500 मिलने वाला नहीं है। अब हम लोगों को 500 नहीं मिलने वाला है, हमको खुद मालूम है कि 28,500 मिलना चाहिए था, उसने 28 दिया, मैंने बोला चलो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अकाउंट सेटल, इसका ये मतलब कि मैंने 500 रुपीस का उसको क्या दे दिया, डिस्काउंट, मैंने डिस्काउंट दिया स्टूडेंट, हमारे लिए एक्सपेंस एंड लॉस कहां पर आएगा, डेबिट। पेमेंट हम लोगों को किससे मिला स्टूडेंट, उर्मिला से। उर्मिला क्या है, नाम पर्सनल, उर्मिला इज गिवर, और गिवर कहां आएगा मेरा बच्चा लोग, क्रेडिट। तो अमाउंट हो जाएगा 28,500 बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम उर्मिला इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट्स। अब स्टूडेंट मैं फिर से क्लियर कर दूं, आपको ये समझ में आ रहा है ना कि
यहाँ पर डिस्काउंट क्यों आया? तो मेरा बच्चा डिस्काउंट इसलिए आया क्योंकि उर्मिला से पेमेंट लेना कितना था? 28,500। उर्मिला ने दिया कितना रसगुल्ला मेरा? 28। तो 500 हम लोगों को नहीं, और हम एग्री हैं, हमने अपने खुशी से बोला चलो 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 ठीक है कोई बात नहीं, आपका अकाउंट सेटल्ड हो गया। इसका मतलब हमने 500 रुपीज का उसको क्या दिया? डिस्काउंट। आई होप स्टूडेंट आपने क्वेश्चन इंजॉय किया होगा। मेरा रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि जहां भी आपको समझ में नहीं आता होगा आप प्लीज पूछो, आप प्लीज पूछो, मैं उसको इंप्रूव करने की कोशिश